रोमन रेंस का खतरनाक बदला, ड्रू मैकइंटायर कैसे आज हेल्पलेस दिखाई दिए, वुमेन्स टैग टीम टूर्नामेंट में क्या क्या दिखा, किस टीम का आज रिटर्न देखने को मिला, शेमेस और गंथर के बीच क्या दिखा और क्या क्या दिखा आज के शो में बैक स्टेज, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। पसंद आए तो लाइक करें बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। आज के शो की शुरुआत में हमें रिकोशे वर्सेस कॉर्बिन के बीच मैच दिखा। मैच के शुरू होते ही रिकोशे ने कॉर्बिन को फिरकी बनाना शुरू कर दिया और उन पे उछल कूद चालू कर दी। अब कॉर्बिन ने रिकोशे में मार देना शुरू करा बट ज़्यादा देर तक हावी नहीं रह पाए। रिकोशे ने मार के किक रिंग के बाहर करा और फिर टॉप रोप से शानदार फ्लिप रिंग के बाहर कॉर्बिन पर लगाई। पैट मैकेफी बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। अब कॉर्बिन फाइट बैक करते हैं और रिकोशे में दबा के मार लगाते हैं। थोड़ी देर रिकोशे की उछल कूद बंद हो गई। अच्छा मैच देखा दोनों के बीच, कॉर्बिन ने पिन का ट्राई करा बट रिकोशे ने किक आउट करा, बट एंड में रिकोशे ने कॉर्बिन को किक मारी और टॉप रोप से शूटिंग स्टार प्रेस लगा के मैच जीत लिया। कॉर्बिन हार के बाद रिंग कॉर्नर में पड़े हुए थे और पैट मैकेफी कॉर्बिन की हार के बड़े मजे ले रहे थे। उनके फेस पे ग्राफिक्स बना बना के उनका मजाक बना रहे थे। इसके बाद शो बैक स्टेज गया जहां स्ट्रीट प्रॉफिट्स दिखाई दिए और उनके साथ हिटरो दिखाई दिए। इसके बाद ड्रू मैकइंटायर की जर्नी वीडियो पैकेज के जरिए दिखाई जाती है, उनकी कंट्री यूके भी दिखाई जाती है। इसके बाद कैरियन क्रॉस दिखे, वो भी हर वीक की तरह बैक स्टेज रिकॉर्डेड प्रोमो में। कैरियन कहते हैं कि वाओ ब्यूटीफुल जर्नी है। वो ड्रू मैकइंटायर को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि जितना हो सके इसे पूरा करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं किसी भी टाइम अपना हाथ तेरे सर पर रख सकता हूं और उसे तुमसे दूर ले जा सकता हूं। अब हमें वुमेन्स टीम के बीच फैटल फोर वे टैग टीम मैच दिखा। सोनिया डेविल और तमीना मैच शुरू करती हैं और तमीना सोनिया की पार्टनर नटालिया पर सुपर किक भी लगा के उन्हें गिरा देती हैं। अब इस पूरे मैच में बस भसड़ी देखने को मिली, क्योंकि चार टीम उनकी आठ मेंबर आपस में लड़ती दिखाई दी। कभी ये लड़ रही थी तो कभी वो लड़ रही थी। मैच ज़्यादा लंबा नहीं चला। डाना टॉप रोप पर होती हैं तभी निक्की भी उस पर चढ़ जाती हैं। तभी सोनिया डेविल ने टैग ले लिया और डाना ने निक्की को टॉप रोप से सुप्लेक्स लगाई और ये रिंग के बाहर खड़ी सभी वुमेन्स के ऊपर जाके गिरती हैं। सोनिया डेविल ने निक्की को बड़ी आसानी से उठा के रिंग में डाला, पिन करा और मैच जीत लिया। अब इनके जीतने की मैंने प्रीव्यू में ही जिक्र कर दिया था। अब हमें शेमेस दिखे, उनके साथ बुच और हॉलैंड भी थे। ब्रॉलिंग ब्रूट्स नेक्स्ट वीक फाइट और ड्रिंक करना शुरू कर देंगे जब मैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनूंगा। शेमेस के पीछे हॉलैंड और बुच बच्चों की तरह उलझ रहे थे। बुच को रोकना बड़ा मुश्किल है, आगे आगे भागते हैं भाई साहब। अब एंट्री होती है गंथर की। काइजर आके उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। शेमेस उनको बीच में रोक के उनकी बेइज्जती मारते हैं और फिर गंथर से रोक के कहते हैं कि खुद को बड़ा इस रिंग का जनरल समझता है, देख असली तेरे सामने खड़ा है। इसके बाद शेमेस जॉन सीना ट्रिपल एच और रोमन रेंस का नाम लेते हैं जिनको उन्होंने WWE में हराया हुआ है। वो कहते हैं मैं गंथर में खुद को देखता हूँ। शेमेस कहते हैं मैं प्रॉमिस करता हूँ कि क्लैश एट द कैसल में टाइटल तुमसे ले लूंगा। अब गंथर कहते हैं मैं टाइटल बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। तभी बुच को इतनी देर से रोक कर खड़े बेचारे हॉलैंड से वो छूट करके काइजर पर अटैक कर देते हैं। हॉलैंड साइड में खड़े होकर कहते हैं कि तुम पहले ये कर लो। बुच में मार पड़ती देख हॉलैंड ने काइजर को रिंग के बाहर खींच के मारना शुरू करा बट काइजर ने हॉलैंड को बैरिकेड के दूसरी साइड फेंक दिया। अब रिंग में काइजर और बुच लड़ रहे थे, अब चेले लड़ रहे थे। फिर सबको लगा होगा कि आका भी लड़ेंगे बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिंग में खड़े होकर दोनों एक दूसरे को बस घूरते रहे और घूरने से ही आज के सेगमेंट में काम चलाया। अब स्मैकडाउन पर हमें बेले, स्काई और डकोटा देखने को मिली जो कि कमेंट्री भी करती हुई नजर आएंगी आगे के मैच में। इसके बाद हमें बैक स्टेज सैमी ज़ेन रोमन रेंस के लॉकर रूम के पास दिखाई दिए। सैमी ज़ेन डोर नॉक करते हैं, उसोस खोलते हैं और हर बार की तरह जे उसो उनको अंदर जाने से रोकते हैं और उसोस आके लास्ट वीक सैमी ज़ेन की हार को डिस्कस करते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं मुझे कुछ कहना है लास्ट वीक जो कुछ हुआ उसके बारे में। जे रोकते हैं बट रोमन रेंस अंदर से कहते हैं कौन है और सैमी ज़ेन को अंदर आने को कहते हैं। जे इससे जरा भी खुश नहीं दिखाई दिए। सैमी ज़ेन बड़ी चौड़ में रोमन रेंस के साइड में जाके बैठ जाते हैं। रोमन रेंस सैमी ज़ेन की हार को लेकर बात करते हैं और कहते हैं कोई नहीं गलतियाँ होती रहती हैं। रोमन रेंस लास्ट वीक हेल्प के लिए सैमी ज़ेन को थैंक्स कहते हैं। वो कहते हैं ऐसा कुछ है जो फैमिली को करना चाहिए। सैमी ज़ेन कहते हैं कि रोमन रेंस किसी भी चीज़ के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हो। रोमन रेंस सैमी ज़ेन से एक फेवर करने के लिए कहते हैं कि ड्रू मैकइंटायर को टाइटल मैच से पहले बिजी और डिस्ट्रैक्ट करो। फिर सैमी ज़ेन काफ़ी तरीकों के बारे में बात करते हैं कि वो कैसे ऐसा करेंगे। अब रोमन रेंस आज की रात होने वाले सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच जीत के लिए सैमी ज़ेन को कहते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं कि हम ये मिलकर कर सकते हैं। वो हेल्प मांगते हैं बट रोमन रेंस सैमी ज़ेन को ये अकेले करने को कहते हैं। सैमी ज़ेन उठ के जे उसो की तरफ हाथ बढ़ाते हैं बट जे उसो सड़ा सा मुंह बना के डोर की तरफ इशारा कर देते हैं और कहते हैं कि चल निकल यहाँ से बाहर निकल।
अब हमें वुमेन्स टैग टीम टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच दिखा, वो भी रकील रोड्रिगेज आलिया वर्सेस नटालिया सोनिया डेविल के बीच। पहले कमेंट्री टेबल पर दिखाई दी, उनके बीच डकोटा और स्काई खड़ी थी। आलिया और नटालिया मैच की शुरुआत करती हैं। आलिया जल्दी टैग रकील को दे देती हैं और रिंग के बाहर सोनिया और नटालिया आलिया को मैट पर दे मारती हैं। वहीं रकील ने अच्छी पावर इस मैच में दिखाई, सोनिया और नटालिया ने भी अच्छा काम करा। एक टाइम वो अच्छे से रकील पर कंट्रोल बना चुकी थी, आलिया तो मैच में नजर ही नहीं आई एंड तक। दोनों ने मिलकर रकील को बड़ा परेशान करा। एंड में रकील ने नटालिया को रिंग के बाहर करा और सोनिया पर मूव देके मैच जीत लिया। मैच के बाद रकील आलिया का डकोटा और स्काई के साथ कन्फ्रंट भी देखने को मिला। अब ये दोनों टीम फाइनल मैच में लड़ेंगी और जो जीतेगा वो वुमेन्स चैंपियन कहलाएगा। इसके बाद जेवियर वुड्स एक व्हीलचेयर पर बैठे दिखाई दिए और उनके साइड में कॉफी किंगस्टन खड़े हुए थे। अब वो बताते हैं कि वाइकिंग राइडर्स ने उनकी बुरी हालत कर दी थी जिससे वो थोड़े निराश हैं। तभी यहाँ जेवियर वुड्स ने कहा कि वाइकिंग राइडर्स ने न्यू डे की लिगेसी को खराब करा है। तभी यहाँ वाइकिंग राइडर्स की एंट्री होती है और फिर इनके बीच बहसबाजी देखने को मिलती है। रिंग में आकर वाइकिंग राइडर्स कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स पर अटैक करने के लिए ट्राई करते हैं, बट कॉफी किंगस्टन रोकते हैं और मतलब कहते हैं कि जेवियर वुड्स के लगी हुई है, मत करो ऐसा। लेकिन जेवियर वुड पीछे से अपने पैरों में से दो कैंडलस्टिक निकालते हैं, एक कॉफी को देते हैं और एक खुद लेते हैं और फिर इसके बाद वाइकिंग राइडर्स का बैंड बजा के उन्हें रिंग से खदेड़ देते हैं। अब बैक स्टेज सैमीजन अपना मैच के लिए रेडी हो रहे होते हैं, तभी वहाँ उसोस आते हैं। वो आके बात करते हैं, जे उसो सैमीजन पर डाउट करते हैं कि क्या वो जीत सकते हैं। सैमीजन नेगेटिविटी बंद करने को कहते हैं। जे उसो लास्ट वीक को लेके सैमीजन पर काफ़ी चिल्लाते हुए दिखाई दिए, हालांकि जिम्मी उनको वहाँ से ले जाते हैं। अब ड्रू मैकेंटायर का जर्नी प्रोमो आगे कंटिन्यू होता है, मतलब कि यूके के इवेंट से पहले WWE अच्छे से ड्रू मैकेंटायर को हाइप दे रही है। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें ड्रू मैकेंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच मैच दिखा। मैच शुरू हुआ तो सैमी ज़ेन रिंग के बाहर चले गए, ड्रू बाहर आए तो सैमी ज़ेन रिंग में आ गए और उन्होंने ड्रू मैकेंटायर पर किक लगाना शुरू कर दिया। लेकिन ड्रू मैकेंटायर ने सैमी ज़ेन की धुलाई चालू कर दी, सैमी ज़ेन बस भागते हुए दिखाई दिए। वो अब ड्रू मैकेंटायर के पैर को टारगेट करके मारते हैं, हालांकि फिर ड्रू सैमी में मार देते हैं। अब ये दोनों टॉप रोप पर थे, सैमी ज़ेन ने वहां से शानदार सनसेट पावर बम दिया, वो देखने लायक था। अब ड्रू मैकेंटायर ने क्लेमोर की तैयारी में थे, तभी उसोस ने एंट्री करी। सैमी ज़ेन ने एडवांटेज तो ली बट वो जीतने में सक्सेस नहीं हो पाए। ड्रू मैकेंटायर ने उसोस में मार देके सैमी ज़ेन को क्लेमोर देके मैच जीत लिया। तभी रोमन रेंज ने एंट्री के ड्रू मैकेंटायर पर अटैक कर दिया। रोमन रेंज अब ड्रू मैकेंटायर को रिंग कॉर्नर में मारने वाले थे, बट ड्रू मैकेंटायर उल्टा रोमन रेंज को दे मारते हैं। उसोस आके ड्रू मैकेंटायर पर अटैक करते हैं तो ड्रू मैकेंटायर उनको भी अकेले हैंडल करते हुए दिखाई दिए, लेकिन रोमन रेंज आके ड्रू मैकेंटायर पर स्पीयर लगा देते हैं। अब उसोस चेयर से ताबड़तोड़ ड्रू मैकेंटायर पर अटैक करते हैं और उन्हें अनाउंस टेबल पर पटक देते हैं। फिर सैमी ज़ेन हेलोवा किक और उसोस स्टील स्टेप से ड्रू मैकेंटायर में जबरदस्त मार देते हैं। रोमन रेंज रिंग में खड़े देख रहे होते हैं और ड्रू मैकेंटायर को वापस रिंग में लाने को बोलते हैं और फिर रिंग में रोमन रेंज ड्रू मैकेंटायर को जिलेटिन चोक लगा देते हैं। फिर ड्रू मैकेंटायर के फेस पर चेयर डाल के उस पर बैठ के ब्लड लाइन पोज देती है। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो जाता है। आज के स्मैकडाउन में WWE ने यूके के इवेंट से पहले ड्रू मैकेंटायर की जबरदस्त हाइप बनाई है, वहीं पूरे शो में ब्लड लाइन और मेन इवेंट में उनको लेके शानदार एक्शन दिखा। वुमेन्स टैग टीम टूर्नामेंट के दो मैचेस आज देखने को मिले, अब बस फाइनल बचता है। न्यू डे ने वापसी करके वाइकिंग राइडर्स पर अटैक करा, लेकिन वो कुछ खास अटैक नहीं था, उस अटैक में कुछ दम नहीं था। वहीं शेमस और गंथर के चेलों के बीच आज ब्रॉल दिखा, बट इन दोनों के बीच नहीं देखने को मिला, दोनों बस एक दूसरे को घूरने से ही काम चलाया। वहीं WWE ने नेक्स्ट वीक के लिए काफी कुछ अनाउंस कर दिया है। अब मेन इवेंट में उसोस की हेल्प के बाद भी सैमी ज़ेन ड्रू मैकेंटायर से नहीं जीत पाए। जीत के बाद ड्रू मैकेंटायर पर ब्लड लाइन ने जबरदस्त अटैक करा, चार चार के सामने ड्रू मैकेंटायर हेल्पलेस दिखाई दिए, उनमें बुरी मार सबने मारी। रोमन रेंज ने यूके से पहले तगड़ा मैसेज ड्रू मैकेंटायर को दे दिया है। वहीं नेक्स्ट वीक WWE रोमन रेंज के एज अ यूनिवर्सल चैंपियन 2 साल पूरे होने की खुशी में सेलिब्रेशन करेगी। अब शो कैसा लगा वो कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।